मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को कभी भी हासिल कर पाएंगे। यदि हमें ऐसा करना है तो इस देश की बुनियादी एकता जो असली भीड़ है तोड़ना होगा। इस देश की एकता इसका अध्यात्म और इसकी सांस्कृतिक धरोहर है। गुलाम दिलो दिमाग, मतलब एक ऐसा दिमाग जो सवाल ना करता हो, जो अपना नुकसान ना देख पाता हो। और लॉर्ड मैकॉले ने एक ऐसी ही शिक्षा पद्धति को भारत में लागू कर दिया जिससे इंसान सिर्फ क्लर्क बना रहे, आंकड़े याद करता रहे, कलम घसीटता रहे और सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर में फाइलें पढ़ता रहे, रात को घर आए, खाना खाए, सो जाए, बिना अपने पड़ोसी का हालचाल जाने हुए, सिर्फ अपना पेट भरे। हिंदुस्तान, राष्ट्र भारत मरे तो मरे। मुगलों ने सालों तक लूटा लेकिन ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान कभी नहीं टूटा। और आखिर में अंग्रेजों ने एक चाल चली, या यूं कहें कि अंग्रेजों ने एक बीज बोया, फूट का बीज, और हमारा ये भारत टुकड़े टुकड़े हो गया। वो भारत जिसकी आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी। ऐसे महान पुरुष हुए हैं वो जिनके आप नाम तक नहीं जानते, जैसे सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, महात्मा गांधी जी। ऐसा नहीं है कि हम इनमें से किसी को जानते नहीं है। बट आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई एम अ वुमन फ्रॉम टेक्नोलॉजी, नॉट फ्रॉम हिस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को नहीं जानते, हम नहीं जानते। हमारे पैनकेक शेप में उन्हीं की फोटो लगी हुई है। असल बात यह नहीं है कि हम महात्मा गांधी को जानते हैं, महात्मा गांधी को नहीं जानते। और इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम सिर्फ रुपए को पहचानते हैं, दौलत को पहचानते हैं। और इन महान लोगों को हम इसलिए भूल गए हैं क्योंकि हम 3010 में हैं। आई नो कि हम 3010 में हैं। तुम आजादी के बारे में कुछ कह रहे थे। जी, आजादी, आजादी तो भारत को मिली 1947 में बहुत सी कुर्बानियों के बाद। लाइट्स ऑफ, प्ले। विभाजन, गरीब अमीर का, ऊंची जात नीची जात,